बुद्धिस्ट लॉ के लिए कानून बनाने के लिए भारी संख्या में आए हुए देश के सभी राज्यों से ओडिशा, आसाम, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना से काफी लोग यहाँ आ चुके हैं। सभी लोगों की मांग है कि बुद्धिस्ट लॉ कायदा मिलना चाहिए और महाबोधि विहार जो बौद्ध गया का है वो महाबोधि गया बौद्ध विहार की मुक्ति, ये इस आंदोलन का उद्देश्य है। हम सभी भिक्षुगण यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी इस देश के कानून मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद से ये पूछना चाहते हैं कि इस देश में जो भी धम्म है, जो भी धर्म है, उन सभी का कानून है, फिर हम भी इस देश का एक धम्म है और इस बौद्ध धर्म का कानून तुरंत आप बनाए। ये चालू सत्र में अगर आपने कानून नहीं बनाया तो आने वाला कल आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि तूफान ये महाराष्ट्र से उठा हुआ ये सैलाब है। जब महाराष्ट्र से कोई तूफान उठता तो देश के कन्याकुमारी से कोई नहीं रोक सकता। ये आने वाली क्रांति है। हम भिक्षु लोग शांति की भाषा करते हैं, वो हमारा विनय है शांति, लेकिन उपासक जो हमारे अंबेडकरवादी क्रांति करते हैं तो पूरे देश में क्रांति हो जाती है। ए रविशंकर प्रसाद, आप कानून मिनिस्टर इस देश के हो, राम जेठमलानी भी इस देश के कानून मिनिस्टर रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद भी यहाँ के कानून मिनिस्टर रह चुके हैं। हम आपको ये सवाल करते हैं कि आने वाले सत्र में अगर आपने ये बुद्धिस्ट लॉ कायदा नहीं बनाया तो हम सभी भिक्षुगण यहाँ अमर अनशन के लिए बैठेंगे। यही मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। अब सबका मंगल हो, सबका उत्तम मंगल हो।